नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक सर्वे 2019 और 2020 के बारे में, जिसमें कि यह पता चलेगा कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कि सालाना सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। बिहार में शुक्रवार को प्रदेश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति किसी व्यक्ति की आय जो है कितनी है। प्रति व्यक्ति आय के इस पैमाने में राजधानी पटना पहले स्थान पर है। इस सर्वे के अनुसार पटना के लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय 1,31,064 रुपये है। वहीं आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो बता दें कि इस मामले में शिवहर सबसे नीचे है। शिवहर के लोग साल भर में 19,592 रुपये ही प्रति व्यक्ति आय जो है वो कमा पाते हैं। वहीं अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर को देख लें तो इन दोनों जिलों के बीच में सालाना इनकम का जो अंतर है वह है 1,11,472 रुपया। अगर हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 को देख लें तो शिवहर से 7 गुना ज़्यादा आय पटना के पास है। बिहार विधानसभा में साल 2019-2020 के आर्थिक सर्वे के हिसाब से जिलों की रैंकिंग की गई, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं जिलों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय के बारे में। पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय है 1,31,000 रुपया और यह प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, तो इसमें जो है बेगूसराय जिले का नाम है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है सालाना है वो 51,400 रुपये है, जबकि पहले से यह जो है 2.5 गुना कम है। इसी कड़ी में अब हम बात कर लेते हैं भागलपुर का सालाना आय, तो यहाँ का जो सालाना आय है वो है 41,800 रुपये। वहीं अगर हम मुंगेर की बात कर लें तो मुंगेर का जो है प्रति व्यक्ति सालाना आय है वो है 44,300 रुपये, जबकि मुजफ्फरपुर का प्रति व्यक्ति सालाना आय है 34,800 रुपये। वहीं औरंगाबाद का जो प्रति व्यक्ति सालाना आय है वो है 32,000 रुपये। और अगर हम बात कर लें गया की, तो गया का जो है सालाना आय है वो है 31,900 रुपये प्रति व्यक्ति। इस हिसाब से भोजपुर का प्रति व्यक्ति सालाना आय जो है 31,600 रुपये है, जबकि वैशाली का 30,900 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। वहीं अगर हम पांच सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों की बात कर लें तो इसमें पहले स्थान पर है शिवहर और इस जिले का प्रति व्यक्ति आय है 19,592 रुपया, जबकि अररिया का प्रति व्यक्ति आय है 20,613 रुपया। जबकि सीतामढ़ी की बात कर लें तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वह 22,119 रुपये, जबकि पूर्वी चंपारण का 22,306 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। वहीं अगर हम मधुबनी की बात कर लें तो इनका प्रति व्यक्ति आय जो है 22,636 रुपया है। और हमने आपको ऊपर में जो बताया वो पांच टॉप ऐसे जिले थे जिनका कि आर्थिक सर्वेक्षण में ज़्यादा इनकम था, और हमने दूसरा जो आंकड़ा बताया वो था सबसे कम जिनका प्रति व्यक्ति आय था। बिहार के आर्थिक सर्वे को अगर हम पुराने रिकॉर्ड से देखें तो साल 2011 में देश के कुल आबादी का 3.1% हिस्सा बिहार में था। उस समय यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से देश में शहरीकरण हो रहे हैं उस हिसाब से आने वाले दिनों में प्रदेश में शहरीकरण की दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम साल 2019-2020 के आर्थिक सर्वे को देखें तो शहरीकरण में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर हम पटना जिले की ही बात कर लें तो यह प्रदेश का सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला जिला है और इसका जो आंकड़ा है वो 44.3% हिस्सा जो है वही शहरीकरण हो पाया है। वहीं दूसरे स्थान पर है मुंगेर और इसका जो है 28.3% हिस्सा ही जो है वह शहरीकरण हो पाया है। इसके बाद जो हिस्सा है वो है नालंदा का और यहाँ जो है 26.3% हिस्सा जो है वही मात्र शहरीकरण हो पाया है। ऐसे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताया जा रहा है कि मात्र प्रदेश के 3 ही ऐसे जिले हैं जो कि 25% से ज़्यादा इनका शहरीकरण हुआ है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से इन क्षेत्रों में बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है सिटी डेवलपमेंट को लेकर कई योजनाएं पर काम कर रही है, लेकिन वह धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो उत्तर बिहार से ज़्यादा दक्षिण बिहार में शहरीकरण का स्तर है। बिहार में साल 2011 में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3 था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब जो है हम देश के दूसरे राज्यों के समकक्ष खड़ा हो पाएंगे। ऐसे में बिहार सरकार को इस क्षेत्र में कमोबेश एक बार फिर से जो है शहरीकरण को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम करने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।